10% और यहाँ पे डन हो गया। तो देख सकते हैं मेरा फोटो भी लग चुका हुआ। दोस्तों आजकल स्मार्ट वॉच का दौर है और हम लोग जब स्मार्ट वॉच परचेज कर लेते हैं तो इसे मोबाइल से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल से जोड़ेंगे तभी जाके हम यहाँ पे इसे रन कर पाएंगे, इसे चला पाएंगे स्मार्ट वॉच को। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनली बात करेंगे, चाहे आपका मतलब जो वॉच है स्मार्ट वॉच वो किसी भी कंपनी की है, उसे कनेक्ट कैसे करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, वो सारा तरीका आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ और बहुत ही सरल माध्यम से आपको बताने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्वागत करेंगे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे पास जो वॉच है वह नॉइज कंपनी की है, आपके पास बोल्ट की है या फिर किसी कंपनी की है, सभी के लिए मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास यहाँ पे जो वॉच है इस तरह से नॉइज कंपनी का है और मैंने बस इसे चालू किया, अभी इस बटन को दबाया है तो चालू हो गई है और ऐसा कुछ ऑप्शन मांग रहा है कि डाउनलोड द ऐप और पेयर विथ डिवाइस, ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कैसे क्या करना होता है। जैसे हमारी जो वॉच है वो नॉइज कंपनी की है, ठीक है, तो हम अपने गूगल प्ले स्टोर में जाएँगे और यहाँ से सर्च करेंगे NOISE नॉइज वॉच, ऐसे लिख के सर्च करेंगे तो नॉइज वाली ऐप यहाँ पर आएगी, हमें इसे इंस्टॉल कर लेना होगा। और आपकी दूसरी कंपनी की वॉच है जैसे बोल्ट की है तो आपको सर्च करना है बोल्ट वॉच, ऐसे सर्च करना है, ठीक है। तो आप सर्च करेंगे तो आपकी ऐप यहाँ पे आ जाएगी बोल्ट वॉच वाली पहले पे, ठीक है। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है, ऐसे ही करना होता है, प्रोसेस सबका सेम है, बस ऐप इंस्टॉलिंग अलग अलग करना होता है। तो मैंने नॉइज का इंस्टॉल कर रहा हूँ और अभी मेरी ऐप इंस्टॉल होगी, फिर देखिए आपको किस तरह से मैं इसे कनेक्ट कराता हूँ, ठीक है। दोस्तों मेरी ऐप इंस्टॉल हो गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन करूंगा और जैसे ओपन करता हूं तो इस तरीके से पेज आता है, देख सकते हैं। और यहां पे परमिशन मांगेगा तो यहां पे चेक मार्क करूंगा और एग्री एंड कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और यहां से मैं कंटिन्यू दोबारा से कर दूँगा और यहाँ पर मांगेगा गूगल की जी मेल आई डी या फिर ई मेल आई डी अपना डालिए, तो मैं यहाँ से गूगल पर क्लिक कर लूँगा, ठीक है। और अपनी जी मेल आई डी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मेरा यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर कर दूँगा क्लिक और अलाउ कर देंगे। जैसे अलाउ करेंगे दोबारा से मैं अलाउ कर दूँगा और इस तरीके से हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट हमें लुकिंग फॉर योर डिवाइस और यहाँ पर एक स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल है, बस स्कैन पर क्लिक करेंगे और परमिशन दे देंगे, ओके कर देंगे। हम यहाँ पर स्कैन करेंगे, जो यहाँ पर क्यू आर दिख रहा है ना, इसे ही स्कैन यहाँ पर करवा देंगे। तो स्कैन हो गया, फाइनली देख सकते हैं मेरा पेयरिंग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है, घड़ी में पूछ रहा है पेयर द डिवाइस, तो मैंने राइट कर दिया और यहाँ पे अलाउ कर देंगे और यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा सेटअप योर प्रोफाइल, तो यहाँ पर लेटेस्ट डू दिस पे क्लिक करेंगे और हम अपना नाम देंगे, जैसे हमारा नाम रूपेश है तो मैंने रूपेश दे दिया और यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। और यहाँ पर आप किस में किस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं वॉकिंग में और यहाँ पे साइकिलिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन लेना है। योगा भी मैं करता हूँ और यहाँ पे मेडिसिन पे ध्यान देता हूँ और वेट लॉस भी करना है तो इस पर ध्यान देता हूँ, तो मैं क्लिक करके कंटिन्यू कर दूँगा। हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी होगी तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ लेकर कंटिन्यू कर दिया। मैं मैन हूँ तो मैन पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दूँगा। और हाउ टेल यू आर, कितने लंबे हैं, तो मेरी लंबाई 168 सेंटीमीटर है तो मैं 168 पर कंटिन्यू 168 पे ला के कंटिन्यू कर दूंगा। मेरा जो वज़न है वह है यहाँ पे 76 kg, तो मैंने लेके कंटिन्यू कर लिया। कितना डेली स्टेप आप लगाना चाहते हैं, तो मैं 4000 ले लेता हूँ और कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। डिवाइस रेडी है, अब हमें ना यह दोस्तों हमें सेहत का भी हमारे ख्याल रखेगी और ये सारी सूचनाएँ हमको देगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। डिवाइस सेटअप सक्सेसफुल हो गया है, सारा कुछ हो गया है। अब यहाँ से आप चाहें तो आप अपना माई डिवाइस में जाइए और माई डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर वॉच फेसेस दिखेंगे, आप अपनी फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं वॉच फेसेस पर जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। और यदि आप अपना खुद का फ़ोटो लगाना चाह रहे हो तो माय फेवरेट पे यहाँ पे यदि आप क्लिक करते हैं या फिर आल में जाते हैं, ठीक है, तो कस्टम वॉच फेस क्रिएट नाउ पे क्लिक करिए और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट करते चले जाइए, डन कर दीजिए और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दीजिए और आप अपने
गैलरी में जाइए। तो मैं अपनी गैलरी से अपना फ़ोटो लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपनी गैलरी में आ चुका हूँ, मैं अपना फ़ोटो यहाँ से चूज करूँगा, फ़ोटो ले लिया और राइट कर दिया है, और यहाँ से इसे अपलोड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा फ़ोटो अपलोडिंग हो रहा है, कुछ ही टाइम में हमारा यहाँ डिस्प्ले पे फ़ोटो भी सेट हो जाएगा, वो भी टाइमिंग के साथ। तो बस थोड़ा सा वेट करना होगा और हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा फ़ोटो, और मेरा 99% और यहाँ पे डन हो गया। तो देख सकते हैं मेरा फ़ोटो भी लग चुका वॉच में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बाकी आप वॉच यूज करते रहिए, ऐसे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। बाकी कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।